व्यूअर्स, कैसे आप सब? वेलकम टू हुरम कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ मीठे दही भल्ले, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार होता है और बहुत ही कम मसालों में बन करके तैयार होता है। एक बार रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे बड़े इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इधर मैंने आधा किलो दही लिया है, ये मीठी दही है। उसके बाद इधर मैंने उड़द की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल अच्छे से भीग चुकी है। दही में पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे फेंट लेना है। मैंने 3 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए इतना पतला चाहिए, क्योंकि अभी जब भल्ले जाएंगे तो ये दही गाढ़े हो जाएंगे। उसके बाद इसे साइड में रख देना है। इधर मैंने जार ले लिया है, इसमें डाल देंगे किशमिश 3 चम्मच। किशमिश डाल के इसमें डाल देंगे शक्कर, ये 3 चम्मच शक्कर है। आप इसे इसमें 4, 5, 6 जितना भी आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको मीठा चाहिए उतना आप इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे काला नमक, सादा नमक और भुना हुआ ज़ीरा, कच्चा ज़ीरा। इसे डाल करके, थोड़ा पानी डाल करके इसे पीस लेना है। तो इधर मैंने मसाले को पीस लिया है, अब इसमें डाल देंगे। इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से चला देना है इस तरीके से। तो ये देखिए ये अच्छे से फिट चुका है। आप इसी टाइम पे शक्कर चख लें, नमक चख लें, अगर मीठा कम है तो इसमें मीठा शक्कर और ऐड कर दें। उसके बाद इसे साइड में रख देना है। अभी दाल को पीस लेना है। दाल में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे पीस करके रेडी कर लेना है। तो ये देखिए दाल पीस करके रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से इतना पतला तैयार कर लेना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक 1/2 चम्मच। नमक डाल करके इसे फेंट लेना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए अच्छे से फेंट लेना है। तो ये देखिए ये फिट चुका है। अभी क्या करना है, भल्ले को फ्राई कर लेना है। इधर तेल गरम हो चुका है। अभी छोटे छोटे साइज के भल्ले इसमें डालेंगे, क्योंकि ये दही भल्ले छोटे ही होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। तो एकदम छोटे छोटे डाल देंगे इसमें। ये फूल करके बड़े हो जाएंगे। गैस की आँच को स्लो पे रखना है। जब भल्ले डालें तो गैस की आँच को एकदम स्लो कर देना है, क्योंकि टाइम लगता है इसे डालने में, तो स्लो आँच पर ही इसे डालें। ये भल्ले जब ऊपर आ जाएंगे तो गैस की आंच को मीडियम पे करके इसे लाइट ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए भल्ले सारे ऊपर आ चुके हैं। अब इसे अच्छे से अलट पलट करके गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो ये फ्राई हो चुके हैं भल्ले।
अभी इसे निकाल लेना है। उसके बाद एक बर्तन में पानी लेना है, उसी पानी में भल्ले को डाल देना है। ये देखिए, इधर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, इसमें डाल देंगे सारे भल्ले। 1 मिनट के लिए पानी में ही छोड़ देंगे। उसके बाद भल्ले का पानी एक्स्ट्रा जो भी रहेगा इसे हाथ से निकाल करके दही में डाल देंगे। हल्के हाथों से करना है कि टूटे नहीं भल्ले। सारे इसी तरीके से रेडी कर लेना है। इधर मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें डाल देंगे दही फटी हुई। उसके बाद इसमें भल्ले ऐड कर देंगे, जितने भल्ले इसमें आते हैं उतने ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर से वापस से दही डाल देना है। दही भल्ले बन करके रेडी हो चुका है। इसके ऊपर डाल देंगे भुना हुआ जीरा। तो दही भल्ले बन करके तैयार है व्यूवर्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।